रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड में लाला धुरवा गांव सन 1930 में यहां के जो बोरो गाड़ा जी थे वो गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्गों में चलने का उन्होंने निश्चय किया और उन्होंने एक मंदिर बना के वहां पूजा करते रहे आजीवन। और आज यह पांचवी पीढ़ी गांधी जी की प्रतिमा का पूजा करते हुए वो नशा मुक्ति का निश्चय करके पूरे गांव को नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। सुबह और शाम भजन गाकर पूजा करते हैं। जो नशा करते हैं वो अंदर नहीं घुसते हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है बेटा? ये संसद का फोटो है। इस पे कौन है? मेरी दादी। 31 मार्च 1960 में वो विधायक रही जी। और आज बड़े हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस परिवार के पास कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। तुमन बतात रहा कि आज तुमन टेरिकॉट कपड़ा पहन रहा, खादी नहीं पहनो, तो सरकार खादी के कपड़ा सस्ता में तुम्हारा नहीं दिलवा दी। सरकार के मन कुछ मदद करी का तुम? कोई नहीं करा थी। मेरे चाचा जी को, मेरे पिताजी को नौकरी मिले, कुछ रोजगार नहीं है, वो लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये परिवार की मांग रही है कि महात्मा गांधी के जो मिट्टी के पुराना पूर्वज के जो मंदिर बने हैं, कुछ ग्राम पंचायत में प्रस्ताव और स्ताव बनवाए है का? नहीं बनवाए के। काबर? अब उसे नहीं बनवाए के। कुछ कारण हो ही? नहीं, कछु कारण नहीं है हमें। आगे कभी कोशिश करिए का? करबो ना। का कोशिश करी? मंदिर बने बनाए की कोशिश करबो। सरकार से तो मैं यही चाहती हूँ कि ये मंदिर और अच्छे से बने। जैसे कि मंदिर कभी भी टूट सकता है, इसलिए उसको और अच्छे से बनाया जाए और पूजा पाठ हो अच्छे से, सभी लोग इसका दर्शन करने आए। सबको मैं यहाँ के जिला कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाने के लिए फ़ोन नंबर दे रही हूँ, 94-255-32-380। फ़ोन कीजिए और जिला कलेक्टर से निवेदन कीजिए कि इस परिवार को काम मिले और इनको एक पहचान मिले। मैं सविता, रायगढ़ छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।